हेलो फ्रेंड्स, मैं अपराजिता लेट्स टॉक लॉज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे स्त्री धन के बारे में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि अगर किसी महिला का स्त्री धन उसके ससुराल वालों ने रख लिया है तो वो महिला अपना स्त्री धन कैसे वापस पा सकती है। स्त्री धन से जुड़े समस्त अधिकारों के बारे में हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं स्त्री धन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्त्री धन क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि स्त्री धन यानी कि वह धन जो स्त्री का धन होता है। कोई भी स्त्री अपनी शादी के समय जो कुछ भी अपने साथ अपने ससुराल लाती है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जेवरात हों, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई गिफ्ट हो, ये सभी स्त्री धन की श्रेणी में यानी कि स्त्री धन की कैटेगरी में आता है। और इस पर सिर्फ और सिर्फ स्त्री यानी कि उस महिला का ही अधिकार होता है। यहाँ पर मैं आपको ये बात स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगी कि स्त्री धन के अंतर्गत ऐसा नहीं होता कि जो कुछ भी सास ससुर ने लड़की को गिफ्ट किया है वह स्त्री धन नहीं होगा, वो भी स्त्री धन ही होगा। और इसके साथ ही लड़की के घर वालों ने यानी कि मायके वालों ने भी जो कुछ भी शादी के वक्त लड़की को दिया है वह भी स्त्री धन की श्रेणी में आता है। दोस्तों, स्त्री धन के संबंध में सभी को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी पति और पत्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय स्त्री धन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। इस प्रकार के विवाद फ्रेंड्स सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में डिफाइन किए गए हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि स्त्री धन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अगर हम फ्रेंड्स आसान भाषा में समझें तो स्त्री धन को अगर हम समझने की कोशिश आसान भाषा में अगर करें तो स्त्री धन में वो सभी कुछ शामिल होता है जो कुछ भी लड़की को उसके मायके वालों से यानी कि उसके माता पिता और रिश्तेदारों से मिलता है, जो कुछ भी उस लड़की को सास ससुर शादी के समय देते हैं, इसके साथ साथ पति के द्वारा दिया गया गिफ्ट जो भी पति ने शादी के समय अपनी पत्नी को दिया था वो भी इसी श्रेणी में आता है यानी कि स्त्री धन की श्रेणी में आता है। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक स्त्री धन के संबंध में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि स्त्री धन के ऊपर अधिकार किसका होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्त्री धन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पूर्ण अधिकार महिला का ही होता है। मान लीजिए भले ही स्त्री ने अपने स्त्री धन की कस्टडी अपने किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को दे दी है, जैसे कि सास ससुर पति, उन्हें रखने के लिए उस महिला ने अपने जेवरों को भले ही क्यों ना दे दिया हो, अपने स्त्री धन को रखने के लिए कस्टडी भले ही क्यों ना दे दी गई हो स्त्री के द्वारा, मगर उस स्त्री धन पर अधिकार मात्र स्त्री का ही होता है। और उसका स्त्री धन अगर वह महिला मांगती है तो सास ससुर या पति जिसके भी पास उस महिला ने अपने स्त्री धन को रखने के लिए दिया था, रखने की कस्टडी दी थी, उस व्यक्ति को उस स्त्री धन को महिला को लौटाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड्स प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार के मामले में इस संबंध में बताया है कि अगर कोई महिला अपने किसी विश्वास पात्र जैसे कि सास ससुर या पति के पास अपना स्त्री धन रखने के लिए देती है तो स्त्री के मांगने पर यानी कि उस महिला के मांगने पर सास ससुर या पति को उसका स्त्री धन उसको लौटा देना होगा। और यदि सास ससुर या पति के द्वारा स्त्री धन नहीं लौटाया जाता तो उस कंडीशन में आईपीसी 405 आईपीसी 406 के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है। अब हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 के बारे में भी जान लेते हैं। इसके अंतर्गत अगर डोमेस्टिक वायलेंस के केस में लड़की का स्त्री धन उसे वापस नहीं किया गया तो उस कंडीशन में वो रिटर्न ऑफ स्त्री धन की एप्लीकेशन लगा सकती है। यहाँ पर फ्रेंड्स मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है कि अगर स्त्री धन स्त्री के द्वारा अपने स्त्री धन की वापसी के लिए ये एप्लीकेशन यानी कि रिटर्न ऑफ स्त्री धन की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो मजिस्ट्रेट फैक्ट्स को वेरीफाई करते हुए स्त्री धन की वापसी के लिए उस व्यक्ति को डायरेक्शन दे सकते हैं जिसकी कस्टडी में स्त्री धन को रखा गया है, जैसे कि सास ससुर या फिर लड़की के पति को। इसके साथ ही सेक्शन 18 सब क्लॉज 2 डीवी एक्ट में भी ये बताया गया है कि स्त्री धन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और साथ ही ये भी बताया गया है कि इससे इस धन के ऊपर अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्त्री धन का स्त्री का ही होता है यानी कि महिला का ही होता है। यहाँ पर आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि शादी में मिले हुए जेवर कपड़े के अलावा गिफ्ट्स जैसे कि टीवी फ्रिज कूलर एसी वगैरह जो कुछ भी है उस पर सिर्फ और सिर्फ महिला का ही पूर्ण रूप से अधिकार होता है।
फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।